Hey everyone, I hope all you are at home. Now, what we are doing in this chapter, हम लोग reflection वाला part complete कर चुके हैं. जो next हमारा part है वो है refraction का. वो किसका है? Refraction. तो refraction होता क्या है? वो देखते हैं सबसे पहले. कौन सा part है हमारे पास? Refraction. तो refraction. Refraction का मतलब क्या होता है? Refraction का मतलब क्या होता है कि जब light ray एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. जैसे एक मीडियम थी हमारे पास एयर और एक मीडियम थी ग्लास. तो लाइट रे एयर से ग्लास में चली जाए, लाइट रे एयर से ग्लास में चली जाए, या फिर ग्लास से एयर में आ जाए, या फिर लाइट रे एयर से वाटर में चली जाए, या फिर वाटर से एयर में आ जाए, ये अगर होता है कभी तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन का मतलब व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन वन मीडियम गोज इनटू द अनदर मीडियम देन द फिनोमेना इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन. ये कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे चली जाती है. जब ऐसा कुछ होता है तो लाइट रे क्या करती है? अपना पाथ चेंज करती है. अपना पाथ क्या करती है? चेंज. और दूसरी चीज, दूसरी क्या होती है? उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी. साथ में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है. साथ में क्या चेंज हो जाती है? वेवलेंथ. ये तीनों चीजें क्या होती हैं? चेंज. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उनके ही तीनों चीजों में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से. Is that clear? Now, what happens and when happens? क्या होता है और कब होता है? दो तरह की मीडियम होती है, एक होती है डेंसर और एक होती है रेयरर. एक मीडियम क्या होती है? डेंसर. और एक होती है रेयरर. क्या मतलब होता है इन दोनों का? डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है. उस मीडियम की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा. कम डेंसिटी वाली से, यानी जैसे एयर और ग्लास है तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? ग्लास की. तो यहाँ पे ग्लास कौन सी मीडियम होगी? डेंसर. इन दोनों के कंपैरिजन में और जिसकी डेंसिटी कम है वो मीडियम कौन सी होगी? रेयरर मीडियम. दो तरह की मीडियम होती है, एक होती है रेयरर, एक होती है डेंसर. जैसे हमेशा दो मीडियम्स के अंदर कंपेरिजन करते हैं इनका और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती. और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती. हमेशा इनको दो मीडियम को कंपेयर करने के बाद हम बताते हैं कि रेयरर कौन सी और डेंसर कौन सी है. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है, ये क्या है? दोनों मीडियम का इंटरफेस, यानी एक मीडियम ऊपर है और एक मीडियम नीचे है. और ये लाइट रे कौन सी है? नॉर्मल रे. ये रे कौन सी है? नॉर्मल रे. तो क्या होगा जब कोई लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है? रेयरर से किस में जाती है? डेंसर में. जैसे कोई लाइट रे आई इस पॉइंट पे आई तो रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर में. तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसका पाथ चेंज होगा और वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी. किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ. किसकी तरफ बेंट हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ. यानी कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है. और कैसे चेंज होता है? वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है. वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंट. और अगर इसका उल्टा हो, जैसे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये लाइट रे आई इस पॉइंट के ऊपर तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये किधर चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्या मतलब है इसका? कि जब एक लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंट होती है. किसकी तरफ? डेंसर मीडियम की तरफ. और जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर मीडियम से किधर जाती है? रेयरर की तरफ. तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर चली जाती है. ये कौन सी रे है? नॉर्मल रे. ये कौन सी रे है? नॉर्मल रे. यानी जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और रेयरर से डेंसर आती है तो वो क्या हो जाती है? नॉर्मल के पास में आ जाती है. ये सिंपल से रूल्स हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के लिए कि जब मीडियम्स चेंज होते हैं. इन्हीं के ऊपर बेस्ड दो लॉज गिवन है रिफ्रैक्शन के. हमने दो लॉज पढ़े थे पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन के, अब किसके लॉज हैं? रिफ्रैक्शन के.
क्या लॉज है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ सेम है. क्या था फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे. वहां पे क्या था? रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे. एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन. ये तीनों लाइट रेज एक ही प्लेन के ऊपर रहती हैं. एक ही प्लेन का मतलब कि जिधर एक तरफ की रे है, यानी अगर हम यहाँ पे नॉर्मल रे बना रहे हैं तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हम पेपर के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. पेपर के ऊपर क्या कर सकते हैं? इनको प्लॉट कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन. और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ एंगल्स के ऊपर बेस्ड है. तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ, वहां पे क्या था? रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन. यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शन का एंगल है. तो सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही दिया था, स्नेल्स लॉ. क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग? कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. ये हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है. इज दैट क्लियर? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. जो इन दोनों चीजों का रेशियो होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है. ये दूसरा लॉ होता है. और ये कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है? ये म्यू के इक्वल होता है. और कभी कभी हम इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर न्यू और म्यू. इसे क्या बोलते हैं? म्यू. और इसे क्या बोलते हैं? म्यू. ये दोनों ही सिंबल्स हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. किसके लिए यूज करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो दोनों कॉन्स्टेंट है, इन दोनों का जो रेशियो कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? म्यू या न्यू के. और ये म्यू एंड न्यू क्या है? ये दोनों है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? कि जब लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रही है, जब लाइट रे क्या कर रही है? अपना मीडियम चेंज कर रही है. तो उसके मीडियम के चेंज करने की वजह से, उसके मीडियम के चेंज करने की वजह से उसकी स्पीड, वेलोसिटी या वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा वो इससे पता चलता है. और इससे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर सिर्फ एक ही मीडियम की बात करते हैं, अगर सिंगल एक मीडियम है, अगर सिंगल एक मीडियम है तो उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी जब हम किसी भी मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन नहीं करते, जब हम एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन नहीं करते तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इज दैट क्लियर? तो ये हो गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब इसके बाद एक और टर्म आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेशियो होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो. म्यू एंड रेशियो होते हैं किसका? सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. जैसे हमने कहीं पे ये लिखा कि म्यू 1 2, तो 1 2 की क्या होगी? म्यू 2 अपॉन म्यू 1. और अगर हमने लिखा 2 म्यू 1, तो ये क्या होगा? म्यू 1 अपॉन म्यू 2. इस तरह से हम किसको लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है. हमेशा सेकेंड मीडियम, यानी जिस मीडियम के अंदर लाइट रे एंटर कर रही है, वो न्यूमरेटर में लिखनी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और जिस मीडियम से जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखनी है? हमें नीचे लिखनी है. इज दैट क्लियर? इसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. जैसे मैंने लिखा 1 μ2, तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? v1 upon v2. वेलोसिटी में फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम डायरेक्ट, यानी फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है तो 1 upon 2, सेकेंड से थर्ड में जा रही है तो 2 upon 3. और इसी तरह से इसका रेशियो हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, वो क्या होता है?
lambda 1 upon lambda 2. But refractive index, absolute refractive index में ratio उल्टा होता है, बाकी सब में क्या रहता है, सीधा रहता है, first upon second. But refractive index के केस में क्या हो जाता है, second upon first. जिस medium में enter कर रही है, divided by जिस medium से enter हुई, is that clear? तो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं, refractive index क्या होती है, absolute refractive index क्या होती है, is that clear all of you? Now we will look upon some examples related to refraction. Refraction की कुछ examples देखते हैं. अब हम देखते हैं refraction के examples. Refraction हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है. तो refraction होता क्या है, हुआ भी हमने देखा. तो अब refraction हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है. सबसे पहला इसका example है twinkling of a star. Twinkling of stars. Twinkling of stars. हम लोग नाइट में जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. ये क्यों होता है, ये होता है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट अलग अलग लेयर्स से. एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं. बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स. जब लाइट रे इनसे पास होती है, जब लाइट रे इनसे पास होती है तो क्या होता है, उन्हें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है. मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देता है. ये रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स, इसकी वजह से. बट प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते. क्यों प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, क्योंकि प्लैनेट क्या करते हैं, जितनी भी हीट जो सन से आती है वो उनके ऊपर आती है तो वो उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बट स्टार्स क्या करते हैं, इसी हीट को, इसी लाइट को वापस रेडिएट करते हैं. वापस क्या करते हैं, रेडिएट. जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्म, अगर हॉट डे है तो क्या होगा, हमारी जो रोड होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. बट जैसे ही सन सेट होने लगेगा तो रोड क्या करेगी, वापस रेडिएशंस को ऊपर की तरफ भेजेगी. जैसे रेडिएशन को ऊपर की तरफ भेजेगी तो हमें रोड के आसपास में ज़्यादा हॉटनेस फील होने लगेगी. यही रीजन होता है कि सड़कों पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू गार्डन्स और ट्री एरिया और ग्रीन एरिया. ग्रीन एरिया के आसपास के कंपैरिजन वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि सड़क वापस क्या करती है, उस हीट को रेडिएट करती है. स्टार्स का भी यही रीज़न होता है ट्विंकल करने का, क्या कि जब उनके ऊपर लाइट आती है सन से तो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद उसको रेडिएट करते हैं. जब उसको रेडिएट करते हैं तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है. और मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने की वजह से, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने की वजह से उनमें वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. इज दैट क्लियर. सेकंड, जो सनसेट का और सनराइज का टाइमिंग होता है, सनसेट एंड सनराइज. सनसेट एंड सनराइज, आप लोगों से बहुत लोगों की आदत होगी सनराइज देखने की, मॉर्निंग में उठते होंगे. जनरली क्या होता है कि जब सनराइज हो रहा होता है तो उसके 2 मिनट पहले ही वो राइज हो चुका होता है, हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है. क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. सन का ऑरेंज कलर दिखाई देना, रेड कलर दिखाई देना, ऑरेंज कलर दिखाई देना, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. फिर कलर ऑफ द स्काई, कलर स्काई का कलर, जो कलर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा उसी कलर की हमें स्काई दिखाई देगी. दिन में ब्लू कलर की हो जाती है, रात को ब्लैक कलर की हो जाती है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है. और जो बचपन में हम लोग किया करते थे, क्या एक पानी के ग्लास के अंदर, कांच का ग्लास था, उसके अंदर हमने कॉइन को प्लेस किया. तो जब हम इस कॉइन को देखते हैं, जब हम इस कॉइन को देखते हैं तो एक कॉइन हमें थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. ये भी किस वजह से होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या हो रही है, चेंज. पहले कहाँ थी लाइट रेज, एयर में. एयर से कहाँ गई, ग्लास में. ग्लास से कहाँ गई, वाटर में. तो बार बार मीडियम चेंज हो रहा था, इस वजह से हमें ये इस तरह से दिखाई देता है. और एक हमने देखा था पेंसिल, जैसे एक बकेट है या एक ग्लास है वाटर का, इसके अंदर हमने क्या किया, एक पेंसिल को हमने इस तरह से रखा,
एक पेंसिल को हमने इस तरह से रखा, या किसी भी डिवाइस को हमने रखा, एक रॉड को रखा या एक लकड़ी की किसी भी स्केल को रख दिया। जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये हमें स्केल इस तरह से दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ नीचे से। ये भी किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि मीडियम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है, ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, जैसे स्कूल खुलेंगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्या होते हैं ये ग्लास स्लैब। जैसे हमने ग्लास लिया, उसका हमने इस तरह से एक टुकड़ा लिया, इसकी थिकनेस भी है कुछ, इसकी क्या है कुछ थिकनेस भी है, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में भी रिफ्रैक्शन होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एयर, तो एयर रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और फिर रेयरर मीडियम। हमने क्या माना कि एक नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे लाइटर आ रही है, लाइटर इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। जब लाइटर इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो अब वो लाइटर अंदर जाएगी, बट ये मीडियम कौन सा था, रेयरर, ये मीडियम कौन सा है, डेंसर। जैसे लाइटर अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे उसमें रिफ्रैक्शन होगा वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इस तरह से नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ही क्या हो गई, बेंड। अब ये लाइटर यहाँ पहुँच गई। अब जब ये लाइटर वापस निकलने की कोशिश करेगी ग्लास स्लैब से, लाइटर क्या निकलेगी, वापस बाहर निकलेगी। तो जब ये वापस बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि वापस से इसमें रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि लाइटर डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो जैसे ही वापस से बाहर निकलेगी तो लाइटर क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही वो नॉर्मल से दूर जाएगी तो इस तरह से दूर चली गई। अब अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जो रे यहाँ से एंटर की है ये कुछ इस तरह से सीधी की सीधी क्या निकल जाती, बाहर निकल जाती अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आए। तो देखिए अब यहाँ पर ये कौन सी रे है, नॉर्मल है, ये रे कौन सी है, नॉर्मल। ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ एमरजेंस। आई और आर इक्वल होते हैं, आई और आर क्या होते हैं, इक्वल। अगर यहाँ पे आई और आर इक्वल होते हैं तो, और ये सारे एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, तो ये एंगल्स इक्वल भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से ग्लास रहते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। दो बार उसमें रिफ्रैक्शन होता है, एक बार जब रेयरर से कहाँ आई, डेंसर में, और एक बार जब डेंसर से कहाँ आई, रेयरर में। रेयरर से डेंसर कब आएगी, जब एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में, और डेंसर से रेयरर कब आएगी, जब डेंसर से कहाँ आ रही है, रेयरर में आ रही है। इज दैट क्लियर? अब दो तरह के लेंसेज होते हैं, दो तरह के क्या होते हैं, लेंस, जिनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ये कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, इसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, और ये लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, बीच में से क्या है थोड़ा मोटा और साइड से क्या है थोड़ा पतला। जो लेंस विथ द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर, थिक फ्रॉम द सेंटर, जो बीच से मोटा होता है, एंड थिन एट द एजेस, और एजेस से क्या है, पतला है, उस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। उस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, इसका जस्ट अपोजिट, द लेंस विच इज थिन एट द बिटवीन, सेंटर पे क्या होता है, पतला, और एजेस पे क्या होता है, मोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। हम लेंसेज में क्या पढ़ेंगे, हम रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में। तो बस डिफरेंस किसका आता है, सब पॉइंट्स वैसे ही होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे दोनों लेंसेज या दो पार्ट लेंसेज कंबाइन होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारे पॉइंट्स वैसे ही होते हैं, जैसे ये पॉइंट
फोकस, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट ऐसे, इसमें भी ये पॉइंट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों साइड होता है, एक इस लेंस का और एक इधर वाले का, दोनों सरफेसेस के दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है। बट सेम थिंग जैसे हमने मिरर में देखा था, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज होते हैं। सेम जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे फोकल लेंथ का डबल था, वैसे ही यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसके अंदर रूल्स, हमने यहाँ पे चार रूल्स पढ़े थे। एक क्या था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। सेम थिंग यहाँ पर है, जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट रे जब पैरेलल आएगी, अब इसमें इस तरफ ना जाके राइट हैंड साइड पार हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर फोकस से पास होगी। यही रूल कॉनकेव के लिए लागू होता है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे इस तरह से आई, बट इसमें डाइवर्ज होगी, क्या होगी, डाइवर्ज। जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, फोकस से, कहाँ से आती हुई दिखाई देती है, फोकस। सेकेंड, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या था सेकंड, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद में, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। कैसे होता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हुई, जैसे ये फोकस है तो यहाँ से पास हुई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल, इज दैट क्लियर। फिर ऐसे इसमें होगा, अब इसमें फोकस तो इस साइड है तो इस तरह से यहाँ पे लाइट रे आएगी, जो लाइट रे फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी, लेट दिस बी द लाइट रे, तो ये इस तरह से यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से फोकस से पास होती है, इज इट क्लियर, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड रूल क्या होता है, इसमें इसमें तीन ही रूल्स होते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है तो क्या होगा, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसे ही कॉनकेव में वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है, इज दैट क्लियर। ये तीन रूल्स होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, तीन रूल्स। एक, जब कोई लाइट रे फोकस से पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती है, फोकस से, और कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सेम एंगल पे वापस, और अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इज दैट क्लियर। ये होते हैं इसमें तीन रूल्स इमेज फॉर्मेशन के लिए, इनमें से हम कितने यूज करेंगे, दो, कितने यूज करेंगे, दो, दो से ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं होती। और एक और चीज जो हमने वहाँ पे पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉनकेव के लिए, किसके लिए पढ़े थे, कॉनकेव मिरर के लिए, वो यहाँ पे किसके बन जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के, किसके बन जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के, और जो कॉन्वेक्स के पढ़े थे वो यहाँ पे किसके बन जाएंगे, कॉनकेव के, वो यहाँ पे किसके बन जाएंगे, कॉनकेव के, इज दैट क्लियर। अब कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे इसके केसेस होते हैं, वो अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि इनके रूल्स क्या होते हैं, अब हम नेक्स्ट थिंग इसमें देखते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास कि इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था तो इसका फर्स्ट केस क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बहुत दूर, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी। लाइट रे पैरेलल आएंगे, पैरेलल लाइट रेस कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये दोनों जब फोकस से पास होगी तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज, इज दैट क्लियर, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज, इस ये इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, इसकी साइज क्या है, पॉइंट साइज, क्या साइज है, पॉइंट साइज, और
कैसी बनेगी ये? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सेकंड केस, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गया, कहाँ आ गया? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी आ गया, एक लाइट हमने फोकस पैरेलल पास की, जो कहाँ से पास होगी? फोकस से, ये लाइट इससे चली जाएगी। दूसरी लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगी? इधर बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। ये कैसी बनेगी? थोड़ी बड़ी बनेगी, किससे? ऑब्जेक्ट से। किससे बड़ी बनेगी ये? ऑब्जेक्ट से। इज दैट क्लियर? तो ये कैसी बनी? थोड़ी लार्जर, किससे? ऑब्जेक्ट से। और कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी, ऑन द राइट हैंड साइड। फिर इसका थर्ड केस, थर्ड केस क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है कहाँ पर? एट सी। सी के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट के पैरेलल कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, तो ये दोनों लाइटें कहाँ मिलेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कैसी इमेज बनेगी? सेम एज ऑब्जेक्ट, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की थी उतनी साइज किसकी बन जाएगी यहाँ पर? इमेज की। इज दैट नाउ फोर्थ केस, फोर्थ केस ऑब्जेक्ट का पास में आ गया, यानी बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया, लाइट एक लाइट पे टायर हो गई, फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट है हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली कहाँ मिलेगी? बियॉन्ड सी। कहाँ मिलेगी लाइट? बियॉन्ड सी। सी के बाद इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी सी के बाद? इमेज। इज दैट क्लियर? और इसकी साइज क्या होगी? लार्जर। बट इसकी साइज क्या थी? स्मॉलर। ये साइज क्या थी? स्मॉल। यहाँ पे साइज कैसे बनेगी? लार्ज। और इमेज कहाँ बनेगी? सी के बाद में। फिर नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट और पास में आ गया, और पास में कहाँ आ गया? फोकस के ऊपर। तो जब फोकस के ऊपर आएगा तो लाइट टायर हो गई, दूसरी साइड फोकस से पास हो गई, और दूसरी लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जो इस तरह रहेंगी। ये दोनों लाइटें कहीं नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। और इमेज क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। फिर एफ, नेक्स्ट इसका केस क्या है? ऑब्जेक्ट और पास में आ गया, यानी बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, एफ एंड ओ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, लाइट पैरेलल फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट इस तरह से डेविएट होगी। ये दोनों लाइटें क्या होंगी? डेविएट। जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। इस तरह से, इस तरह से इसकी क्या बन जाएगी? इमेज। ये क्लियर है यहाँ तक? छह केसेस, ध्यान से देखिए वापस सारे केसेस। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, तो लाइट इज पैरेलल आई, कहाँ से पास हो गई? फोकस से। तो इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो लाइट एक पैरेलल गई, जो फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, दोनों कहाँ पे मिली? एफ एंड सी के बीच में। इमेज कैसी बनी? स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर। इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे। सेम साइज, साइज क्या होगी? सेम। फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, साइज क्या बनेगी? थोड़ी बड़ी। और इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। फिर ई पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और कैसे बनेगी? लार्जर। कैसे बनेगी? लार्जर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइटनेस क्या होंगी? इस तरह से डाइवर्स होंगी। जब इनको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगी इसकी? इमेज। इस केस में इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट, और बड़ी बनेगी। फिर कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, इसमें दो ही केसेस होंगे जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़े थे। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, बट इस लेंस में क्या होगी? डाइवर्स होंगी। क्या होंगी? डाइवर्स। ये डाइवर्स हो गई, इसी तरह से ये भी डाइवर्स होगी, ये भी क्या होगी? डाइवर्स। ये इस तरह से डाइवर्स हो गई, तो यहाँ पे क्या बन गई इसकी? इमेज बन गई। ये फोकस का पॉइंट है,
ये एक केस हो गया। और दूसरा केस क्या होता है, जैसे उसमें पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। लाइट पैरेलल डाइवर्स हो गई, कहाँ से पास हो गई है, ये फोकस से पास हो गई। फिर एक लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। तो जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो इस तरह से पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कहाँ बनेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, यहाँ पर। ये दो केसेस होते हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। कितने केसेस होते हैं, दो। एक क्या था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। कैसी इमेज बनेगी यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे कैसी बनेगी, यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट यहाँ पे पॉइंट साइज और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी। इज दैट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी। इज दैट नाउ व्हाट हैपेंस कि फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। अगर नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहां पे हमने मिरर में पढ़ा था कि जब इमेज रियल इनवर्टेड होती है तो ये क्या था, नेगेटिव। बट लेंस में इसका क्या होता है, अपोजिट। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सेम साइड बनेगी तब। ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। किधर रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं हम, उस फॉर्मूले में चेंज आता है, वो क्या हो जाता है, 1/v - 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसके लिए। अब हम पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो क्या होता है। अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो आप देखते हैं। क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक इंटरफेस है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ये कौन सी मीडियम है, डेंसर। और ये मीडियम कौन सी है, रेयरर। ये मीडियम कौन सी है हमारे पास, रेयरर मीडियम। अब क्या होगा जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है, तो हमने अभी पढ़ा था कि वो बेंट होगी नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर क्या होगी, वो बेंट होगी। तो जैसे एक नॉर्मल है हमारे पास, एक और नॉर्मल और एक और नॉर्मल है, तो हमने क्या किया इसमें, एक लाइट रे आई, डेविएट हो गई। फिर एक और लाइट रे, वो भी डेविएट हो गई। फिर अब क्या हुआ कि इस केस के अंदर, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, हमने क्या किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो हम बढ़ाते चले गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते चले गए, हम बढ़ाते चले गए। तो जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से क्या हुआ कि ये जो लाइट रे थी, ये इस मीडियम में आने की बजाय वापस उसी मीडियम में चली गई। यानी फर्स्ट से सेकंड में आने की बजाय वापस फर्स्ट मीडियम में चली गई। यानी रिफ्लेक्शन के प्लेस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। अगर ये 90 तक रहेगा तो ये लाइट यहाँ पर रहेगी, बट जैसे ही ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वापस लाइट कहाँ चली जाएगी, उसी मीडियम में। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट हैपन्स, रिफ्लेक्शन। दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये हुआ, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आईसी, क्रिटिकल एंगल।
समझ में आया? वापस देखो क्या था इसमें, कि जब ये एंगल रिफ्रैक्शन का 90 डिग्री हो गया और रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन की जगह क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा, हमेशा रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके तीन एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन मिराज इन डेजर्ट, नाम सुना है मिराज। जब हम डेजर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है सड़क के ऊपर, बट वो पानी नहीं होता। जैसे जैसे हम उसके पास जाते रहते हैं वो पानी क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। दूसरा है हमारे पास डायमंड। देखा भाई डायमंड, सबका डायमंड के अंदर स्पार्किंग होती है। क्या होती है, स्पार्किंग, चमकता है। क्यों चमकता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन सब पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो टेक्निक हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। उसमें क्या होता है, तीन मटेरियल्स होते हैं या तीन लेयर्स होती हैं, एक लेयर फिर दूसरी और फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर। ये लेयर्स इस तरह से होती हैं, जैसे मार्कर पेन है कोई भी, तो पेन का बाहर का कवर रिफिल और रिफिल के अंदर क्या है, इंक है। वैसे तो ये इंक हो गई, ये रिफिल हो गई और ये पेन का कवर हो गया। इसे क्या बोलते हैं, कोर। इसे बोलते हैं क्लैडिंग और इसे बोलते हैं बफर कोटिंग। क्या बोलते हैं इसे, बफर कोटिंग। क्या होता है कि जब कोई सिग्नल्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो उनमें क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्शन होता है और एट लास्ट रिफ्लेक्शन होने के बाद उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने के बाद हम किसी भी स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। वही अब हम कोशिश कर रहे हैं ताकि नेट की स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाए। ऑप्टिकल फाइबर इसका एक यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे यूज़ होते हैं इस फिनोमेना के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।